डिस्कस अबाउट केस स्टडी ऑफ ICSR फॉर्म या फिर ADR फॉर्म। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें डिस्कस किया था कि हम कैसे ICSR फॉर्म या फिर ADR फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, हाउ टू फिल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केस स्टडी। तो हमने इसमें केस ले लिया है, जो क्लिनिकली बेस्ड केस है उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम एक ICSR फॉर्म में इसी केस को फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पेशेंट इनिशियल, पेशेंट नेम है उसका पंकज कुमार है, पंकज कुमार नाम का एक पेशेंट है जिसकी एज है 56 इयर्स ओल्ड है वो, और मेल है और वेट उसका है 52 kg। ठीक है, अब देखो उसको रिएक्शंस आ रहे थे, वो ड्रग ले रहा था सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ले रहा था, जो डोज थी 500 mg थी बीडी एंड ओरल। ठीक है, इंडिकेशन मतलब यूटीआई की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहा था। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेने से उसको रिएक्शन क्या क्या हुए, हार्टबर्न की प्रॉब्लम आई, उसे स्टमक पेन हुआ और नॉजिया एंड टायर्डनेस, ये रिएक्शन उसको आए सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेने के बाद। ठीक है, अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन के रिएक्शन आए कब, अब देखो रिएक्शन डेट 11/7/19 को उसको रिएक्शन आया है, उसके बाद रिएक्शन कब खत्म हुआ है मतलब इन डेट है 13/7/2019 को उसका रिएक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब ऑनसेट लैग टाइम मतलब उसने ड्रग मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन ली और कितने देर बाद उसको प्रॉब्लम होने लगी, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो 5 आवर्स, ये वीक हो सकता है, डे हो सकता है, मिनट्स हो सकता है, तो 5 आवर्स है। ठीक है, अब देखो उसको यूटीआई की दिक्कत थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रहा था, उसके साथ में भी फिजिशियन ने रिकमेंड किया था गोखरू एंड पुनर्वा कैप्सूल, 100 mg था ओरल और बीडी ले रहा था ये। थेरेपी डेट उसकी स्टार्ट हुई थी 10/7/2019 को और स्टॉप हुई थी 18/7/2019 को, उसकी थेरेपी डेट बंद हो गई थी। अब देखो रिलेवेंट टेस्ट, उसका फिजिशियन ने कोई भी टेस्ट नहीं कराया था, तो यहाँ पे नो है, कोई टेस्ट नहीं हुआ था। सीरियसनेस ऑफ रिएक्शन, तो ऐसी कोई सीरियसनेस नहीं होती है जैसे कि हार्ट बर्न और स्टमक पेन, नोजिया, टायर्डनेस, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, बट फिर भी तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर मेडिकल इम्पॉर्टेंट। अब आउटकम्स का निकला तो अपने आप रिकवर हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी रिएक्शन में, तो अपने आप वो ऑटो रिकवर्ड हो गया। अब देखो एक्शन टेकन मतलब एक्शन टेकन बाई फिजिशियन, तो फिजिशियन ने विदड्रॉल कर ली अपनी ड्रग, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इग्नोर करने पे कहीं हमारा जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए या फिर सीरियसनेस और ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो ड्रग को विड्रॉल कर दिया गया। अब लास्ट है रिपोर्टेड डिटेल, तो रिपोर्टेड डिटेल में फिजिशियन या फिर डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, उसमें कोई भी हो सकता है। अब सेम यही केस हम फिल करते हैं अपने ICSR फॉर्म में, जो हमने अभी केस डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेशेंट का नाम वहाँ पे था पंकज कुमार, तो P.K पेशेंट इनिशियल P.K, एज उसकी थी 56 और सेक्स उसका था मेल और वेट था 52 kg। ठीक है, जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 11/7/2019 को और रिएक्शन जब बंद हुआ 13/7/2019 को, उसका रिएक्शन बंद हो गया था। अब देखो ऑनसेट लैग टाइम वहां भी 5 आवर्स था, तो हम फिल कर देते हैं यहाँ पे 5 आवर्स, ऑनसेट लैग टाइम 5 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब इवेंट रिएक्शन विद ट्रीटमेंट डिटेल्स इफ एनी। अब देखो वहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हुई थी, हार्टबर्न हुआ था, स्टमक पेन, नोजिया, टायर्डनेस विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg एंड 2 हर्बल मेडिसिन गोखरू एंड पुनर्वा कैप्सूल। ठीक है, अब इसके बाद देखो सस्पेक्टेड मेडिकेशन, तो सस्पेक्टेड मेडिकेशन हमारी क्या थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो सिप्लॉक्स टेबलेट, सिप्ला जिसका मैन्युफैक्चरर है, बैच नंबर है ACH11 और एक्सपायरी डेट है उसकी 10/2020 और डोज कितनी ले रहा था 500 mg और ओरल लूट से ले रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी बीडी थी और थेरेपी डेट मतलब जब उसको यूटीआई की दिक्कत हुई तब उसने कब स्टार्ट किया, वो डेट है 10/7/2019 को उसने स्टार्ट किया
और थेरेपिस्ट बंद कब हुई? 18/7/2019 को। और किस लिए ले रहा था सिप्रोफ्लॉक्सासिन? मतलब पर्पस, इंडिकेशन यूटीआई, और हमारा कॉज कॉजलिटी असेसमेंट लाइकली हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो एक्शन टेकन, एक्शन टेकन वहाँ भी फिजिशियन ने विथड्रॉल कर ली थी डबल, क्योंकि ऐसा ना हो कि पेशेंट की जो एडीआर आ रहा है और ज्यादा वर्स हो जाए, सीरियसनेस और ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन रीअपेयर्ड आफ्टर री इंट्रोडक्शन प्लीज टेक। अब देखो इसका मतलब है कि एक दवा ले रहा है, उसे रिएक्शन आया, अब ऐसा है कि फ्यूचर में उसने सेम दवा ले ली और फिर उससे दिक्कत आ गई, सेम एडीआर आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे एस लगा दिया हमने। और कनकमिटेंट मेडिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सेल मेडिकेशन एंड हर्बल रेमेडीज विथ थेरेपी डेट एक्सक्लूड दोज यूज टू ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो गोखरू और पुनर्नवा पेशेंट फिजिशियन ने दिया था सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ में, तो गोखरू कैप्सूल एंड पुनर्नवा दोनों की डोज सेम है, 100 mg है, और ओरल थे दोनों, ठीक है, और बीडी थे, और थेरेपी डेट है 12/7/2019, ठीक है, और स्टॉप डेट है हमारी 20/7/2019, इंडिकेशन सेम होगा हमारा यूटीआई। अब इसमें इन्होंने लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो एडिशनल इन्फॉर्म देयर वाज नो एनी लैब टेस्ट डन बाय पेशेंट एंड हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस एंड वाज ओबीज, पेशेंट ओबीज था। दीज एडीआर रिकवर्ड आफ्टर फ्यू डेज एंड पेशेंट लेफ्ट द सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसने सिप्रोफ्लॉक्सासिन मतलब बंद करा दिया डॉक्टर ने, और जो एडीआर थे वो रिकवर्ड हो गए थे अपने आप। अब देखो जो ओपीडी नंबर है हमारा 15 है, एएमसी रिपोर्ट फिल नहीं करना होता है, वर्ड इवनिंग आईडी फिल नहीं करनी होती है, और रिलेवेंट टेस्ट तो लेबोरेटरी और कोई टेस्ट हुआ नहीं था पेशेंट का, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। और रिलेवेंट मेडिकल मेडिकेशन हिस्ट्री, तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी, एलर्जी, रैश, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, एल्कोहल एंड हेपेटिक एंड रिनल डिसफंक्शन, तो ऐसा कोई इशू नहीं था, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। अब देखो सीरियसनेस ऑफ रिएक्शन, तो ऐसा कोई सीरियसनेस तो था नहीं, डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग और हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलॉन्ग, कॉन्जेनाइटल एनोमली एंड डिसेबिलिटी, तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी पेशेंट को। तो अदर मेडिकल इम्पॉर्टेंट, और आउटकम्स क्या था उसका, वो ऑटो रिकवर्ड हो गया था। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है रिपोर्टर डिटेल्स। अब देखो रिपोर्टर डिटेल्स में इसमें कोई भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे है अभिषेक पटेल, अभिषेक पटेल रिपोर्टर है, वो फार्मासिस्ट है और बिलोंग करता है उन्नाव से, तो उसने अपना एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, पिन डाल दिया उसने, और ईमेल आईडी डाल दी अपनी उसने, और उसका कोपेशन फार्मासिस्ट है और उसने साइन कर दिए। डेट ऑफ दिस रिपोर्ट हमारी है देखो 21/3/2020, ठीक है। अब साइन एंड नेम ऑफ रिसीवर, ये भी हमें नहीं करना होता है, ये जब एएमसी को भेजते हैं तो वहाँ पे वो लोग फिल करते हैं।